नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आपको पुरानी यादें ताज़ा करवाएंगे। जब हम लोग छोटे थे तो बचपन में मेला वगैरह जाया करते थे, तो मेले में आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्टीमर वगैरह बिकता था, जो ज़मीन के फड़ पे जो था स्टीमर वगैरह बेचने वाला जो होता था, तो उससे स्टीमर खरीदते थे। तो उस समय स्टीमर 10 या 12 रुपए के आसपास मिलता था और काफ़ी हम लोग जो था पानी में उसे चलाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था चलाने में। तो अब तो मेले में ये स्टीमर नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर मिल भी जाता है लेकिन हर जगह नहीं मिलता है। तो वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये फ़्लिपकार्ट से मैंने 2 स्टीमर मंगवाए थे, इसमें ये एक इसके अंदर रखा हुआ है और एक ये है। तो इसे चलिए हम आपको दिखाते हैं, आप समझ रहे होंगे, स्टीमर देख के आप समझ गए होंगे कि मैं मतलब बचपन में ये चलाया या नहीं चलाया। तो काफ़ी लोगों ने इसे चलाया होगा। अब ये देखिए, ये इस तरीके से, और इसके अंदर जो था एक ये, आप ये देखिए चम्मच वगैरह है, और उसके बाद एक ये ड्रापर वगैरह है। तो ये मतलब हम चला चुके हैं, इसे एक बार चलाया भी है और अभी आपको चला के भी दिखाएंगे। तो इसमें आप देखिए, यहाँ से जो पाइप है इनमें पानी वगैरह भरा जाता है, और थाली वगैरह में इसे मतलब यहाँ पे सरसों के तेल की बत्ती या मोमबत्ती वगैरह जला दी जाती है इसमें रख के। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया जो है आवाज़ के साथ ये चलता है, आवाज़ भी करता है और चारों तरफ ये घूमता है। तो एक स्टीमर ये है और एक स्टीमर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक स्टीमर इसके अंदर और है, और ये स्टीमर एक ये देखिए आप, ये एक ये है, और इसमें एक पर्चा भी दिया हुआ है, इसमें जो है चलाने की विधि वगैरह दी हुई है। तो इस पर्चे में और ये स्टीमर ये निकला हुआ है, तो 2 स्टीमर ये जो है इसमें निकले हुए हैं। और ये स्टीमर बहुत ही अच्छा लगता है इसे चलाने पे, चलाने के बाद इसे भी, चलिए हम ये पन्नी में ये पैक है इसे खोल लेते हैं यहाँ से, और निकाल के आपको ये भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये निकल आया, आप देखिए इसमें भी ये एक ये ड्रापर है, और ये चम्मच है, इसमें मोमबत्ती वगैरह लगी हुई है। तो इस तरीके से ये इसमें मतलब लगी हुई है। तो चलिए मतलब जो है पानी में चला के और आपको अभी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कार्य करता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं स्टीमर चला के। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास थाली में पानी है और ये स्टीमर है, स्टीमर का ऊपर वाला ढक्कन मैंने निकाल दिया है और इसे पानी में देखिए रख दिया, तो ये तैरने लगा। तो इसमें क्या करना है, इसके जो दो पाइप हैं, इन दोनों पाइपों में पानी भरना पड़ता है, ये ड्रापर है, इसी से जो है पानी हम भर रहे हैं, और जब पानी भर जाएगा तो दूसरे पाइप से निकलने लगेगा। तो चलिए मैंने ढक्कन भी लगा दिया है, और उसके बाद जो है अब इसमें क्या करना है, इसमें ये जो चम्मच है इसमें एक रुई की बत्ती बनाएंगे, बत्ती बना के इसमें सरसों का तेल या मोम वगैरह कुछ भी आप रख दें जो जल सके आसानी से, मोम और सरसों का तेल दोनों बहुत अच्छा जलता है इसमें। तो बत्ती मैंने बना दी है, और ये देखिए शीशी में हमारे पास जो है सरसों का तेल है, तो सरसों का तेल डाल देंगे, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है इसमें जलने के लिए, क्योंकि एक बत्ती जलानी छोटी सी, उसके अंदर पानी जब खोलेगा इसके अंदर तो स्टीम बनेगी, उसी से चलेगा, इसीलिए स्टीमर बोलते हैं इसे। तो ये देखिए बत्ती मैंने लगा दी है इसमें, और भिगो भी दी है, तेल में भीग गई है। अब माचिस से जो है ये बत्ती जलाएँगे, जो चम्मच है छोटा सा, चलिए जला लेते हैं। तो देखिए माचिस जला ली है मैंने, अब जो है इस बत्ती को जलाते हैं, इस चम्मच में जो बत्ती लगी हुई है इसे जला लेते हैं। तो बत्ती लगभग जल गई है, और उसके बाद इसी स्टीमर के अंदर ये बत्ती रख देंगे, तो जब पानी गर्म होगा और जब स्टीम बनेगी तो उसी से ये जो है चलने लगेगा, एक तरफ से पानी खींचेगा एक तरफ से छोड़ेगा, तो इस तरीके से चलेगा। तो देखिए इसके अंदर जो है हम बत्ती लगा देते हैं इस तरीके से, अब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब थोड़ा सा गर्म हो रहा है, बत्ती थोड़ा पीछे हटा दे रहे हैं, इसे सेट कर देते हैं, देखिए चलने लगा है, धीरे धीरे स्पीड अभी बढ़ेगी इसकी और। तो इस तरीके से जो है ये स्टीमर चलने लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है स्टीमर। तो ये देखिए घूम रहा है पूरी थाली में चारों तरफ, और आवाज़ तो देखिए कितनी अच्छी आवाज़ है इसकी, जब तक इस बत्ती में मतलब चम्मच में जब तक इसमें तेल रहेगा और ये बत्ती जलती रहेगी, तब तक ये स्टीमर जो है बहुत बढ़िया चलता रहेगा। जब इसकी अगर ये लौ जो जल रही है थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि हीटिंग कम होगी और पानी गर्म कम होगा। तो देखिए मैंने बत्ती को हटाया है, तो ये धीरे धीरे जो है बंद हो गया, अब दोबारा से इसमें लगाएंगे तो ये जो है फिर चालू हो जाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से लगाएंगे तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, देखिए फिर स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।